हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर टू। ठीक है, चैप्टर नंबर टू हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ। और चैप्टर नंबर टू का नाम क्या है हमारा? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए व्हेन वी आर डूइंग अकाउंटिंग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बाय द फर्स्ट टर्म विच विल डिस्कस। पहला टर्म कौन सा है जो हम डिस्कस करने वाले हैं? ये है हमारे पास बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। ये जो वर्ड है बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, ये हम जनरली क्या करते हैं? एक साथ ही बोलते हैं, बट इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। बिजनेस ट्रांजेक्शन कुछ अलग चीज है और इवेंट कुछ अलग चीज है। तो आज इन दोनों को हम एक बार समझते हैं साथ साथ कि ये दोनों क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें बिजनेस ट्रांजेक्शन की, सो इट सेज इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस। ना ये जब हम लाइनें पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ये फाइनेंशियल पोजिशन को चेंज कर देती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखें हम सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? कहते हैं कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी यानी एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स एटसेट्रा। ये सारी चीजें बिजनेस की एक्टिविटीज हैं। प्रोडक्शन, परचेज, सेल, ट्रेडिंग जो हो गई या मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ये सब बिजनेस की एक्टिविटीज हैं। ठीक है, और विद अ पर्पस एंड दीज आर डन विद ऑब्जेक्टिव। पर्पस कह लीजिए या ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। यानी अगर आप ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, परचेज, सेल्स एटसेट्रा ये सब कर रहे हैं विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो उस एक्टिविटी को आप क्या कहते हैं? उस एक्टिविटी को आप कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जब हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात आपसे की, हमने कहा बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस। तो हमने इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस करता है विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, चलिए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने समझा। अब हम कहा कि फाइनेंशियल पोजिशन चेंज होती है। अब देखिए 11th में आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल पोजिशन क्या है ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए नई है। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे वहां भी थोड़ी क्लैरिटी आएगी, फाइनेंशियल पोजिशन क्या है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज है। तो फाइनेंशियल पोजिशन को और समझे जरा कि फाइनेंशियल पोजिशन क्या है। तो देखो, जब मैं कहता हूं कि फाइनेंशियल पोजिशन चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है मेरा? इससे मेरा मतलब है कि हमारी जो एसेट्स हैं या फिर हमारी जो कैपिटल है या लायबिलिटी, इनमें कुछ चेंज आता है। बिजनेस में जो एसेट्स हैं, कैपिटल है या लायबिलिटी है, इनमें चेंज आता है, और इस चेंज को हम क्या कहते हैं? ये चेंज क्या लेकर आता है? ये चेंज लेकर आता है फाइनेंशियल पोजिशन में। ये चेंज कैसे आता है, इससे पहले हमें समझना होगा कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है और कैपिटल क्या है। एक काम समझिए, सबसे पहले एसेट पर आइए। देखिए एसेट क्या है हमारे पास, इस चीज को समझिए। ठीक है, फिर हम कैपिटल की बात करते हैं और इसके बाद हम लायबिलिटी की बात करेंगे। तो एसेट क्या है? ऐसी कोई भी चीज जिससे हमें फ्यूचर में, सॉरी यहां एसेट ये है, हाँ जी, तो एसेट क्या है? जिससे हमें, ऐसी कोई भी चीज जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल, बिल्डिंग आपकी एसेट है। ठीक है, फर्नीचर आपके लिए एसेट है, आप इसे यूज करेंगे, बेनिफिट डराइव करेंगे। आपने प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रखा है बिजनेस में, वो भी आपके लिए एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, अब बात करें कैपिटल की, तो एसेट क्या हो गई? आपकी संपत्तियां जो बिजनेस में है वो है आपकी एसेट्स। जब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल पोजिशन की तो उसमें हम तीनों चीजों को समझ रहे हैं। और कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन बिजनेस। जो मालिक है, जो ऑनर है, उसने बिजनेस में जो पैसा लगा रखा है वो क्या है? कैपिटल है। एसेट्स हमने बता दी आपको, बिजनेस जब एसेट्स खरीदता है अपने यूज के लिए, प्रोडक्शन के लिए, सेल्स के लिए, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, तो वो एसेट्स हैं और उनका वो बेनिफिट उठाता है, क्योंकि मशीनरी है उससे प्रोडक्शन करेगा तो बेनिफिट्स होंगे, सेल होंगी, प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, अब बात करें लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस। ये ऑब्लिगेशंस हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑफ पेमेंट। ऑब्लिगेशन
फॉर पेमेंट लिख लीजिए आप इसे और की जगह, फॉर पेमेंट टू आउटसाइडर्स। अगर आपको आउटसाइडर्स को कोई पेमेंट करना है, यानी आपको पेमेंट ड्यू है, तो वो आपके लिए क्या बन गया? लायबिलिटी बन गया। अब ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम आपके साथ अकाउंटिंग इक्वेशन भी करेंगे, रूल्स वगैरह पे बात करनी है, अमेरिकन सिस्टम पर आना है, वहां भी इन तीनों चीजों की चर्चा होगी। तो ये बेसिक चीजें हैं, और वैसे हम इन्हें डिफाइन भी करेंगे अभी अगले टर्म्स में। अभी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हम इन पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, अदरवाइज एसेट कैपिटल और लायबिलिटी ये तीनों ही आगे वाली टर्म्स में डिफाइन करने हैं अच्छे तरीके से हमने, ठीक है। तो हमने कहा कि फाइनेंशियल पोजिशन चेंज होती है कब? जब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस में, और इसी को हमने क्या कहा, यह ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन को अगर दोबारा देखें, तो मैंने आपको ट्रांजेक्शन बताया था, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजिशन। कैसे होता है इसमें चेंज, जरा मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताता हूं। देखिए, मैंने यहां नीचे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, लेट्स नाउ अंडरस्टैंड हाउ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंजेस द फाइनेंशियल पोजिशन, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी फाइनेंशियल पोजिशन को कैसे चेंज करती है, इस बात को समझें, ठीक है। यानी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करने का मतलब क्या है, हमारी एसेट्स को चेंज करना, या फिर कैपिटल को चेंज करना, या फिर लायबिलिटी को चेंज कर देते हैं, यानी इनमें इंक्रीज या डिक्रीज आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण। देखिए, चेंज इन एसेट्स की बात करें, चेंज इन एसेट्स कब आता है, देखिए कब आएगा, अगर आप सेल या फिर परचेज करेंगे एसेट्स का, आपने एक बिल्डिंग को खरीद लिया तो आपकी एसेट्स बढ़ गई, आपने बिल्डिंग बेच दी तो एसेट्स डिक्रीज हो गई, तो एसेट्स में चेंज आ गया, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, क्योंकि फिर फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट किया है हमने, बिल्डिंग क्यों ली होगी, हो सकता है हमें अपना ऑफिस स्टैब्लिश करना है वहां पर, या फिर हमें क्या करना है वहां पे बताइए, या तो ऑफिस स्टैब्लिश करना होगा, हो सकता है हमें अपना प्रोडक्शन जो करना है, प्लांट एंड मशीनरी सेटअप करना है, उस बिल्डिंग में करना है, गोडाउन बनाना है, वो सब हम यूज करने वाले हैं उन एसेट्स को, ठीक है। तो चेंज इन एसेट आ गया अपने पास अगर हमने सेल या परचेज ऑफ एसेट किया। इसके बाद आते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट ये नया टर्म है, डेप्रिसिएशन अभी हमने आपके साथ चर्चा ही नहीं की, मैं सिंपल वर्ड में बताता हूं डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब है चेंज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट। जब एक एसेट की वैल्यू में चेंज आता है बिकॉज ऑफ रेगुलर यूज, ठीक है, आप उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास रखी है एसेट, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू में रिडक्शन आता है, चेंज आता है, तो उस चेंज को, उस रिडक्शन को हम क्या कह देते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट। ये हमारे लिए खर्चा है, आगे इसे समझेंगे। अब एसेट जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है, इसका मतलब उसकी वैल्यू में चेंज आ रहा है। पहले अगर एसेट 1 लाख रुपए की थी, तो आज एसेट घटकर कितने की हो चुकी है, एसेट घटकर हो सकता है हमारे पास 70,000 की रह गई हो, 60,000 की रह गई हो, डिपेंडिंग अपॉन यूज, ठीक है। कैसे डेप्रिशिएशन निकलता है ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में। इसके बाद बात करते हैं चेंज इन कैपिटल। कैपिटल में चेंज क्या होता है, कैसे आता है, देखिए कैपिटल क्या है, मैंने कहा अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस कैपिटल है। वो कैश में भी लेकर आ सकता है पैसा, काइंड में भी लेकर आ सकता है, यानी गुड्स लेकर आ सकता है बिजनेस के लिए, या फिर साथ में वो क्या लेकर आ सकता है बताइए, वो लेकर आ सकता है आप लोगों के लिए, हो सकता है उसने गुड्स दे दिए, या फिर उसने बिल्डिंग दे दी। सपोज ऑनर के पास बिल्डिंग थी, उसने कहा बिजनेस में यूज करने के लिए बिल्डिंग चाहिए, खरीदनी पड़ेगी, तो क्यों ना मैं अपनी बिल्डिंग बिजनेस को दे दूं ताकि वो उसे यूज कर पाए, ठीक है। अब इन्हीं सभी चीजें से क्या होता है, कैपिटल चेंज होता है। जब वो चीजें लेकर आता है, वो अमाउंट लेकर आता है बिजनेस में, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है, और अगर उसे जरूरत है तो कैपिटल को रिड्यूस कर देता है, बिजनेस से कैपिटल को निकाल लेता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पे हमारे पास कैपिटल कम हो जाती है, ठीक है। और भी एग्जांपल है कैपिटल के इंक्रीज और डिक्रीज के, जैसे प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज। जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज है उनसे जो हमें प्रॉफिट या लॉस होता है, इससे भी कैपिटल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही किसके हैं, दोनों ही ऑनर के हैं, मालिक के हैं, इन दोनों पर उसी का हक है। अगर प्रॉफिट होगा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और अगर लॉस होगा तो उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हमने लिखा, अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ है बिजनेस एक्टिविटीज से, तो उसके कारण भी कैपिटल में चेंज आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आए हम लोग नेक्स्ट चीज पर, चेंज इन लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में कब चेंज आता है इसको समझें। देखिए, मैंने आपको कहा था लायबिलिटीज क्या है। लायबिलिटीज हमारे लिए है कि हमने किसी को पेमेंट देना है, हमने उधार में कोई सामान खरीदा है, ठीक है, या हमने कोई बिल्डिंग खरीद ली, और हमने किसी से उधार ले लिया, बैंक से लोन लिया, तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, हमारी एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई,
कि हमने फ्यूचर में एक पेमेंट करना है, वो लायबिलिटी है। अब फ्यूचर में पेमेंट करना है, ठीक है, लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो इसी इसी के एग्जांपल भी ऐसे ही होंगे। इसके एग्जांपल कैसे होंगे, देखिए, हमने गुड्स या फिर एसेट्स खरीद लिए, हमने क्या किया, हमने गुड्स खरीदे या फिर एसेट्स खरीदे, कैसे, क्रेडिट में यानी उधार में, ठीक है, उधार में खरीदे, भाई नगद नहीं दिया उन्हें, पेमेंट नहीं किया हमने, सामान खरीदा बिजनेस के लिए या कोई एसेट खरीदा, तो बाद में पेमेंट देना पड़ेगा, आज नहीं दिया है तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद देखिए, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन है, जिन लोगों से हमने उधार में सामान ले रखा है, ठीक है, यानी हमने पेमेंट करना है। अगर उन्हें हम पेमेंट कर दें तो हमारी लायबिलिटीज जो है वो डिक्रीज होंगी या नहीं होंगी, ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कई बार क्या होता है, जब आप पेमेंट्स करते हैं क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स कौन है, जिन्हें आपने पेमेंट करना है, उन्हें जब पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट दे देते हैं आपको, कैश डिस्काउंट इसे आप कह सकते हैं, कि आपने पेमेंट की तो उन्होंने आपको डिस्काउंट दे दिया, आपका फायदा हो गया। आपने पेमेंट करनी थी 100 रुपए की, पेमेंट आपने की 90 रुपए की, और उस पर 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया आपको, तो 90 का तो आपका पेमेंट करने से लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स अपने आप डिक्रीज हो ही गए। 10 रुपए का उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, उन्होंने कहा जाइए आपने 100 रुपए के बदले अब 90 ही देने हैं। कई बार होता है हम भी जाते हैं किसी शॉप पर, तो उस पर प्राइस है 100 रुपए का, वो आपको कहता है ठीक है आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, आप आज पेमेंट कर रहे हैं इसलिए आपको डिस्काउंट दे देते हैं, वो तो हमारे लिए डिस्काउंट इनकम ही तो है, और अब वो पेमेंट नहीं करना तो ऑब्वियसली है कि हमारी लायबिलिटीज भी डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये मतलब था ट्रांजेक्शन का, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन के मतलब को समझने के लिए ही मैंने आपको इन दोनों चीजों का मतलब समझाया था, ठीक है, ठीक है। ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को समझने के लिए मैंने दोनों चीजें समझाई कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और चेंज इन फाइनेंशियल पोजिशन का मतलब क्या है। चेंज इन फाइनेंशियल पोजिशन का मतलब क्या हो गया, चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, कैपिटल या फिर लायबिलिटीज, ठीक है। आइए अब आगे चलें नेक्स्ट चीज पर, ठीक है। ये ट्रांजेक्शंस हुई, अब आते हैं इवेंट पर। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, इवेंट और बिजनेस ट्रांजेक्शन हम जनरली दोनों को एक ही समझते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है, आइए अब हम इवेंट को समझें। उससे पहले एक चीज हमने और लिखी हुई है आप लोगों के लिए, उस पर हम उसे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। वैसे मैंने मेजोरिटी बातें बता दी हैं। ये क्या है हमारे पास, मेन फीचर्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के मेन फीचर्स क्या है, ठीक है, जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करते हैं उसके मेन फीचर्स। पहली बात, बिजनेस ट्रांजेक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी दिस एक्टिविटी हैज बीन डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। हम प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस में जो एक्टिविटीज करते हैं उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कह देते हैं। अब जब हमने कहा इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो हमें समझना होगा कि कौन सी एक्टिविटीज यहां पर नहीं आती, यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होंगी वो यहां नहीं आएंगी। अच्छा, मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी को लिखा है कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट, अभी मैंने ऊपर आपके साथ डिस्कशन किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, इसलिए मैंने यहां पर इसे एक्सप्लेन नहीं किया है। तो मैं बताऊं आपको, नेक्स्ट चीज मैं आपको कह रहा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, बट जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है लाइक सोशल एक्टिविटीज, आपने किसी की सहायता कर दी, जहां और सहायता करते समय आपका ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो वो कैसी एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, ऐसी एक्टिविटीज का एग्जांपल, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, आपने किसी को रोड क्रॉस करने में हेल्प कर दी, सॉरी ये हाइलाइटर है गया, आपने किसी को रोड क्रॉस करने में हेल्प की, ठीक है, आपने रोड क्रॉस करने में किसी की हेल्प कर दी, ठीक है ना, आपने किसी को कुछ डोनेशन दे दिया, ठीक है। डोनेशन जब आपने दिया तो आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि भाई ये मैं इससे प्रॉफिट कमाऊं, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ठीक है। यहां पर ऑब्जेक्टिव नहीं है अर्निंग प्रॉफिट, इसलिए इन्हें हम यहां लिखते नहीं है, ठीक है। सो दीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजेक्शन, उन्हें आप ट्रांजेक्शन भी नहीं मानते हैं बिजनेस में, ठीक है ना जी। चलिए आगे मैंने क्या लिखा है, बिकॉज दीज आर नॉट डन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हमने क्यों कहा इन्हें क्यों कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं करते हैं। जब इन एक्टिविटीज को किया जाता है, ये एक्टिविटीज कंसीडर होती हैं, तो हमारा वहां पर मोटिव या ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इसलिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम कंसीडर नहीं करते,
ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आए नेक्स्ट फीचर की बात करें, सो हम कहते हैं नेक्स्ट फीचर में हमारी जो ट्रांजेक्शन है उसे हम क्लासिफाई कर रहे हैं दो पार्ट्स में। पहली ट्रांजेक्शन हमने कहा एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, और दूसरा मैंने आपको बोला ट्रांजेक्शन को आप कैसे बोल सकते हैं, दूसरा आप बोल सकते हैं इंटरनल ट्रांजेक्शन। ये एन नहीं लगा हुआ था, यहां लगा दिया हमने इंटरनल ट्रांजेक्शन। तो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन या फिर इंटरनल ट्रांजेक्शन क्या है? देखिए, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो आप आउटसाइडर्स के साथ करते हैं। ठीक है, आउटसाइडर्स के साथ ट्रांजेक्शन की जाती है तो उसे आप क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। और जब बिजनेस के विद इन बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है, विद इन बिजनेस जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल क्या है, एक्सटर्नल के साथ यानी आउटसाइडर्स के साथ आपने एक सप्लायर से गुड्स खरीदे, क्या है, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है। आपने किसी को सामान बेचा, आपने अपने कस्टमर को सेल्स किए, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए किसके, एक्सटर्नल के। अब इंटरनल की बात करें तो आप प्रोविजनिंग करते हैं। ठीक है, आप प्रोविजनिंग करते हैं कब, आपको लगता है कि हमारे डेटर्स हैं, डेटर कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसा मिलना है, उनसे शायद पैसा ना मिले, पैसा डूब सकता है यानी भविष्य में ये नुकसान हो सकता है, तो इसको आप आज ही कंसीडर कर लेते हैं। वैसे एग्जांपल इस पर ज्यादा डिस्कशन करना अभी बेकार होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होते हैं इस पर हम चर्चा बाद में करने वाले हैं, बट मैं सिंपल शब्द में आपको बोलूं, आसान भाषा में बोलूं तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट हमने जो बनाया यानी भविष्य के नुकसान की प्रोविजनिंग हमने कर ली, भविष्य के में होने वाले नुकसान की हमने आज तैयारी कर ली, हमने कहा भविष्य में नुकसान हो सकता है तो इसको कंसिडर करो। अब ये नुकसान जो हो रहा है ये कोई बाहर वाले से हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बुक्स में ही लिख रहे हैं इसको। ठीक है, तो विद इन द बिजनेस ये ट्रांजेक्शन हुई, कोई बाहर वाले का लेना देना नहीं है। ऐसे ही एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन, एसेट में, एसेट की वैल्यू में रिडक्शन जो आ रहा है वो बाहर वाला कोई नहीं कर रहा, हम अपनी मशीनरी को, हम अपनी एसेट को यूज कर रहे हैं जिसके कारण उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, और इस रिडक्शन को हमें रिकॉर्ड करना होगा अपनी बुक्स में। ये भी इंटरनल ट्रांजेक्शन है यानी विद इन द बिजनेस होने वाली ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो हमने दूसरी बात की आपकी फीचर्स में कि जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो दो तरीके की हो सकती है, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन हो सकती है, इंटरनल ट्रांजेक्शन हो सकती है। अगली बात हम करें, इट रिजल्ट्स इन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये बात भी हम आपके साथ पहले कर चुके हैं कि जो हमारी ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उससे क्या होता है, उससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। फाइनेंशियल पोजीशन मैंने आपको बता ही दिया था, फाइनेंशियल पोजीशन में मैंने आपको बताया था इससे आता है हम चेंज किसमें, हमारी एसेट्स में, हमारी कैपिटल पे या फिर हमारी लायबिलिटीज में, इनमें चेंज आता है। ठीक है, इसी को हम एक्चुअल में बोलते भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हम आगे समझाएंगे आपको। फाइनेंशियल पोजीशन में तीन चीजें ही आती हैं, ठीक है, इन पर चर्चा अभी थोड़ी देर बात करेंगे ज्यादा डिटेल में। ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए इसे होल्ड कीजिएगा, ज्यादा डिटेल में समझना है तो। ठीक है, आगे चलें ट्रांजेक्शन की नेक्स्ट फीचर पर, यानी फोर्थ फीचर है हमारे पास ये। इसमें कहता है ट्रांजेक्शन मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हमारी जो ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर होना उसका बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसे मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते तो उसे आप लिख ही नहीं सकते बुक ऑफ अकाउंट्स में। मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा मैंने कार खरीदी और उसकी वैल्यू हमने आपको बताई ही नहीं। ठीक है, एक ऐसा ही एक और बिजनेस है, उसने दो कारें खरीद ली है, जैसे हमने एग्जाम्पल आपको दिया है यहां पर, मिस्टर ए ने एक कार खरीदी, मिस्टर बी ने दो कार खरीदी। नेक्स्ट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि किस बिजनेस के पास ज्यादा एसेट्स है, आपको पता है कार है, ये बिजनेस में यूज होने वाली चीज, इससे बेनिफिट डिराइव करेंगे हम, तो ये हमारे लिए एसेट है। अब इस एसेट से हम बेनिफिट डिराइव करने वाले हैं, तो मैंने क्वेश्चन कहा बताइए किसके पास ज्यादा एसेट्स हैं, हु हैज मोर एसेट्स, ज्यादा एसेट किसके पास है, मिस्टर ए के पास है या मिस्टर बी के पास है। ठीक है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, बताइए किसके पास ज्यादा एसेट्स हैं। साफ देखने से तो ऐसा ही लगता है कि मिस्टर बी के पास दो कार है तो ज्यादा एसेट्स मिस्टर बी के पास हुए, और मिस्टर ए के पास एक कार है इसलिए कम एसेट्स मिस्टर ए के पास हुए। बट
यहां पर आपने मॉनेटरी यानी उसकी वैल्यू क्या है कार की, इसे कंसिडर ही नहीं किया, ठीक है। और हमने वैल्यू नहीं भी बताया तो इसे आप बुक्स में लिखेंगे क्या, कितने रुपए की चीज है, ठीक है। हो सकता है मिस्टर ए के पास जो कार है, ये कार कौन सी हो, ये कार हो BMW कार, ठीक है। और जो मिस्टर बी है, इसके पास जो कार है ये है नैनो, ठीक है, ये नैनो कार है जिसकी कीमत कितनी होगी, 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख के आसपास, और उसकी कीमत ज्यादा होगी, लेट लीस्ट 30 लाख तो मान ले, 30 लाख से नीचे तो क्या आएगी, एक कार ही। तो आप अगर वैल्यू बता दी जाए, यानी मॉनेटरी वैल्यू इसकी बता दी जाए, तो आप कह सकते हैं, इजिली आंसर कर सकते हैं कि किसके पास ज्यादा वैल्यू है। यही बात मैंने आपको लिखकर यहाँ नीचे बताई है, दैट वी कैनोट आंसर ब्लाइंडली टू अबव क्वेश्चन कि किसके पास ज्यादा एसेट्स है, सिंपली बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ कार्स। आप नंबर पर जाकर कि भाई किसके पास ज्यादा गाड़ियां हैं, इससे बता दें कि उसके पास ज्यादा एसेट्स हैं या कम है, नहीं पॉसिबल है, ब्लाइंडली आप नहीं आंसर करते इस चीज को। वी नीड द वैल्यू, यानी हमें मेजर करना होगा उसे इन टर्म्स ऑफ मनी टू आंसर द अबव क्वेश्चन। तो मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, इसकी वैल्यू मैंने बताई 30 लाख, और इसका बताया एक कार का 1.5 लाख, तो आप 2 से गुना कर दीजिए, करेंगे तो भी तो 3 लाख ही आएगा, ठीक है, 3 लाख मैंने लिख दिया, तो भी तो वैल्यू ज्यादा किसकी हुई, एक की हुई। तो हम तो आंसर इसे बगैर देखे तो किसकी वैल्यू बता देते, हमें लगता बी के पास 2 कार है तो शायद वैल्यू एसेट्स की बी की ज्यादा होगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि हमारी जो ट्रांजेक्शंस हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन, उन्हें हम बिजनेस में तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल है। अगर मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल नहीं है तो उन्हें आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स में, या लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो है ही नहीं, अमाउंट के सामने तो आप कह रहे हैं 0 है, मुझे पता ही नहीं, तो आप उसका इम्पैक्ट भी नहीं आएगा कोई बिजनेस में, क्योंकि कुछ एसेट्स होंगी पहले हमारे पास, उसमें इसको जोड़ेंगे प्लस करेंगे, तो किसी भी चीज में 0 को जोड़ेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो ही रह जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी, मेन फीचर्स थी हमारी किस चीज की, बिजनेस ट्रांजेक्शन की, ठीक है। इन्हें ध्यान रखना है आपने, आप उसी ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जिसमें सारी फीचर्स हों, ठीक है ना, कि वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या फीचर्स बताई, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी दिस एक्टिविटी हैज बीन डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। और हमने क्या बताया, हमने और आपको बताया कि ट्रांजेक्शन 2 टाइप की होती है, एक्सटर्नल इंटरनल, और इसके बाद चलते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट पर, दैट इज इवेंट, जो हम सेकंड पार्ट है हमारा, हमने कहा था बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, इन दोनों को एक्सप्लेन करना था। तो इवेंट की बात करें, इवेंट क्या है, एन इवेंट इज अ कंसीक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। इवेंट क्या है, इट इज अ कंसीक्वेंस आप कह सकते हैं, या फिर रिजल्ट है किस चीज का, हमारी ट्रांजेक्शन का। यानी ऊपर जो हमने वर्ड यूज किया, हमने चीज समझी कि ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देगी, जिसके कारण हमारी एसेट्स बढ़ सकती हैं, लायबिलिटीज घट जाएंगी, या फिर हमें क्या होगा, कैपिटल में चेंज आएगा। इन सब चीजों के कारण हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है। आपने कहा इवेंट क्या है, हमने कहा इवेंट क्या है, रिजल्ट है हमारी ट्रांजेक्शन का। इस चीज को समझने के लिए ना एक काम करते हैं, हम एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, आपकी बुक्स में भी एग्जांपल दिए हुए हैं, यहां हम एग्जांपल लेते हैं कि क्या चीज है, क्या रिजल्ट का मतलब क्या है क्या। वैसे तो नटशेल में बात करें तो जब आप एक ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके कारण कुछ कंसीक्वेंस, उसके परिणाम स्वरूप या उसके रिजल्ट के, उसके रिजल्टेंट कुछ चीजें निकल कर आती हैं, उन चीजों को जो निकल कर आती हैं उन्हीं को हम कह देते हैं इवेंट्स। जैसे आपने सामान खरीदा, उसमें से कुछ सामान बेच दिया, तो अंत में जो बच गया यानी रिजल्ट आउटपुट क्या आया, उसके कारण हमें प्रॉफिट हुआ होगा। ये जो प्रॉफिट हुआ है ये इवेंट है, ठीक है, ट्रांजेक्शन नहीं है, प्रॉफिट का होना इवेंट है। ट्रांजेक्शन क्या है, सेल या परचेज, सेल परचेज ट्रांजेक्शन है, उसके कारण रिजल्टेंट आपके पास प्रॉफिट हुआ, ये इवेंट है। ऐसे ही आपने सेल परचेज किया, उसके कारण जो बच गया आपके पास वो क्या है, वो इवेंट है, ठीक है। चलिए तो इसका एग्जांपल लेते हैं और फिर जल्दी से समझाते हैं। मैं इस वीडियो में काफी स्लो चल रहा हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी इनिशियल वीडियोस हैं आपके, थोड़ा सा ध्यान देना है हमने यहाँ, इसलिए ज्यादा बातें चल रही हैं आपके साथ। चलिए तो देखिए आगे मैंने लिखा हुआ है, लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अबव लाइंस, यानी कि जो इवेंट है वो कंसीक्वेंस है या रिजल्ट है ट्रांजेक्शन का।
सो लेट्स अंडरस्टैंड द अबव लाइंस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसकी हेल्प से हम समझेंगे इवेंट क्या है। तो हमने कहा मिस्टर ए है स्टार्टेड बिजनेस, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है विद अ कैपिटल, उसने कैपिटल कितनी लगाई, 5 लाख रुपए की कैपिटल लगा दी। फिर उसने क्या किया, कैपिटल लगाने के बाद उस कैपिटल से उसने क्या किया, उसने गुड्स खरीदे 3 लाख रुपए के। कैसे खरीदे, कैश में खरीदे। और फिर उसने क्या किया, 60% ऑफ दीज आर सोल्ड फॉर ₹2 लाख। दीज का मतलब क्या है, ये जो गुड्स खरीदे थे, दीज गुड्स, अगर आपको हम यहां पे हम लिख सकते हैं दीज गुड्स की बात कर रहे हैं हम यहां पर, दीज गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹2 लाख, 60% बेचा। तो 3 लाख का 60% कितना होता है, 1,80,000। 1,80,000 का सामान आपने 2 लाख में बेच दिया, ठीक है। He also paid a salary, उसने सैलरी भी पे की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये ट्रांजेक्शन्स हैं। तो हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू निकाल कर देखा कि क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुई। ट्रांजेक्शन्स क्या है, पहली ट्रांजेक्शन है कि उसने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या हुई कि उसने 3 लाख रुपए का सामान खरीदा। थर्ड क्या है, उसने सामान खरीद कर बेच दिया। फिर उसने सैलरी पे की। ये सब क्या है, ट्रांजेक्शन है। अगर इवेंट की बात करें तो इवेंट पे मैंने आपको बताया कि मैंने रिजल्टेंट चीज है, ये जो रिजल्ट बना इसका वो है, सबसे पहला हमने कहा हमें 18,000 का प्रॉफिट हुआ। कैसे हुआ समझिए, ये रिजल्ट हुआ कि देखिए आपने 2 लाख रुपए का सामान बेचा, उसकी लागत क्या थी, 1,80,000 रुपए। तो कितना आ गया साहब हमारे पास, 20,000 रुपए। पर 20,000 में 2,000 रुपए हमने कहा हमने सैलरी भी पे की है, तो हमारे पास 18,000 का प्रॉफिट आ गया। तो ये जो प्रॉफिट आया ये क्या है, इवेंट है। ऐसे ही हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है, जो अंत में सामान बच गया हमारा, जो माल खरीदा था उसमें से कुछ बेच दिया जो बच गया, वो भी क्या है, वो भी हमारा इवेंट है। जैसे मैंने कहा यहाँ 1,20,000 रुपए का सामान बचा। कैसे बचा, देखिए हमने 3 लाख का सामान खरीदा था, उसमें से 1,80,000 का बेच दिया था, 60% बेचा ना, तो 1,80,000 का बेच दिया, तो 1,20,000 का सामान बच गया हमारे पास, ये भी क्या है, इवेंट है। इसके बाद चले नेक्स्ट चीज पर, कैश का बैलेंस कितना दिखा रखा है हमने, 3,98,000। कैसे निकाला, ये चीजें मैं पहले इसलिए लिख कर रख रहा हूं ताकि आपका टाइम बच जाए थोड़ा सा, अदरवाइज लिखने में भी समय चला जाता है, इसलिए हम चीजें पहले लिख कर रख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए कैसे बचा 3,98,000 कैश जो बचा, ये इवेंट है, ट्रांजेक्शन नहीं है। कैश का बैलेंस बच जाना इवेंट है, कैश के में ट्रांजेक्शन होना ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो हमने कहा हमने 5 लाख रुपए लगाए थे, फिर हमने 2 लाख रुपए की सेल्स की, तो 5 लाख लगाए तो भी पैसा आया बिजनेस में, 2 लाख का माल बेचा तो भी पैसा आया। फिर हमने कहा 3 लाख का माल खरीदा, तो इसे इसमें से माइनस कर दिया कि भैया पैसा गया होगा, और 2,000 रुपए की हमने सैलरी भी पे कर दी, ये भी माइनस किया, तो अंत में 3,98,000 हमारे पास बच गया। तो कैश का बैलेंस बच जाना भी क्या है, हमारे लिए इवेंट है। ऐसे ही कैपिटल एट द एंड, कैपिटल क्या है, मालिक ने जो बिजनेस में पैसा लगा रखा है वो है कैपिटल। और अंत में यानी साल के अंत में, तो मैंने कहा देखो हमने 5 लाख रुपए लगाए थे बिजनेस में, फिर इस बिजनेस में साल के दौरान हमें 18,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट किसे मिलेगा, मालिक को। तो हमने कहा ये जोड़ दो, तो अंत में क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, 5,18,000 रुपए। तो ये भी क्या है, इवेंट है, ठीक है। तो हमने ये टॉपिक आपका समझा, बिजनेस ट्रांजेक्शन और इवेंट क्या है। थोड़ा लंबा चल गया ये टॉपिक, क्योंकि आपको थोड़ा धीरे हमने समझाया। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे आपके साथ करेंगे अगली टर्म्स को, बिजनेस बिजनेस की जो टर्म्स हैं, आपकी अकाउंटिंग की जो टर्म्स हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। अगली टर्म्स हमारे पास और बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो आप इसे एक काम कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आप अगर देखना चाहें तो मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा करता हूं, बट ज्यादा दिखेगा नहीं आपको। इवेंट मैंने दिखा दिया, इवेंट की बात करें तो इवेंट ये आ गया आपके पास, ये सारे इवेंट के एग्जांपल आ गए, ये ट्रांजेक्शन के एग्जांपल आए, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास क्या है, इवेंट की डेफिनेशन थी, यानी ये मीनिंग था, उसका एग्जांपल हमने दिया, ऊपर ट्रांजेक्शन को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एक काम कर सकते हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके इन चीजों को लिख सकते हैं। अगर आप चाहें कि नोट्स बनाने हैं आपने इस चीज के, तो आप इसे लिख लीजिए अपने पास, ठीक है। मैं एक बार धीरे धीरे दोबारा स्क्रॉल कर देता हूँ उस चीज को, आप कहें तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है ना। ये लीजिए, स्टार्टिंग से फॉन्ट साइज बड़ा हो, आपको दिख पाए ये चीज। आइए जी देखिए, ठीक है, ये पहला पेज हो गया आपका। फिर हम आ जाते हैं फीचर्स पर, सॉरी ये फीचर्स पर आ गए हम लोग। ये हमारी फीचर्स हैं चारों, ठीक है ना।
ये चारों फीचर आ गई, 1 2 3 4, ठीक है लास्ट, ठीक है जो हमने मॉनिटरी टर्म्स वाले फीचर बात कर लिया आपके साथ, फिर इवेंट का मीनिंग आ गया, ठीक है फिर हमने इवेंट से बताया कि ये ट्रांजेक्शन एग्जाम्पल जो लिया, इवेंट आ गया हमारे पास, फिर हमने इवेंट के एग्जाम्पल भी ले लिए, इवेंट कैसे हुआ उसके एग्जाम्पल देख लें, ठीक है ना जी। चलिए तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है जल्दी से नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद। कुछ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो हमारे हैं उनके लिए आपको कुछ डिटेल्स बताता हूं। हमारे चैनल का नाम है SR Accountancy Classes, ठीक है YouTube पे हमारा चैनल है SR Accountancy Classes के नाम से, यहां पर आपको हमारी सारी वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है जो भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं YouTube पर आपको यहां मिल जाएंगी। SR Accountancy के नाम से सर्च कीजिए YouTube पर और यहां आप हमें फाइंड कर सकते हैं, आप हमें चाहे तो Facebook पर भी सर्च कर सकते हैं इसी नाम से, ठीक है। इसके बाद आप जब वीडियोस देखते हैं हमारे, उसमें कोई कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं या फिर क्वेश्चन कोई कर रहे हैं और उसमें आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे यूट्यूब पर ही नीचे वीडियोस जब देखते हैं आप, तो नीचे यूट्यूब पर कमेंट कॉलम आता है, वीडियो के नीचे कमेंट कॉलम आता है, वहां कमेंट कॉलम में आप अपने डाउट्स और क्वेरीज को मुझे लिख सकते हैं, मैं श्योरली आपको उस पर रिप्लाई करूंगा। तो आप अपने डाउट्स और क्वेरीज के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहें तो मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं, इट्स 9261004x7। आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना चाहें तो उसके लिए भी यही नंबर है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको ऑटोमेटिकली, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो, ठीक है यानी आपको बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा जाकर देखने में कि हमने कोई नया वीडियो अपलोड किया है नहीं किया, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप जो हमारी वीडियोस को देखते हैं उसे प्लेलिस्ट के थ्रू देखा कीजिए। ये मैं क्यों ले रहा हूं इस बात को, ये भी इंपॉर्टेंट है कि काफी बच्चे कहते हैं सर आपकी जो वीडियोस हैं चैनल पर एक सीक्वेंस में नहीं है, हमें पता नहीं लग पाता कि ये चैप्टर 2 है, इसके बाद चैप्टर 2 में ही क्वेश्चन नंबर 4 कहां मिलेगा क्वेश्चन 3 के बाद। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आप जब वीडियोस को देखते हैं हमारे चैनल पर तो चैनल में पहले प्लेलिस्ट पर आइए, प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज सिलेबस वाइज आपके अलग अलग बने हुए हैं प्लेलिस्ट, और उसमें आप सारी वीडियोस सीक्वेंस में है, आपको टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, आप प्लेलिस्ट के थ्रू हमारी वीडियोस को वहां पर देखिए, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और है आप लोगों के लिए, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आता है तरीका, तो आप हमारे कंप्लीट कोर्सेज के लिए असेस ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे और मैं आपको प्रोसीजर समझा दूंगा कि किस तरीके से आपने हमारी वीडियोस का एसेस मिल पाएगा आपको। चलिए ठीक है, मुझे यही बातें बतानी थी, अब हम आगे चलेंगे इसके बाद।